हे गाइस, कैसे आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सो गाइस, यहाँ पर मैं बीनी भाई के घर से आ जाती हूँ। जैसा कि आप पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे, सारा काम वगैरह करके तो मैं अपने घर आती हूँ तैयार होने के लिए। यहाँ मैं अपने पति का वेट करती हूँ कि वो जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। तब तक मैं तैयार ही हो जाती हूँ, फिर सोनाक्षी को तैयार कर देती हूँ, फिर ईशा को भी तैयार करती हूँ। तो यहाँ हम फटाफट तैयार हो जाते हैं। पति देव आगे, वो भी तैयार हो रहे हैं। तो गाइस, हम तैयार हो गए हैं और मैं दूसरा कपड़ा पहनी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं चेंज कर ली हूँ। और यहाँ मम्मी मांग रही थी तो यहाँ पर दीपक सब लोग तैयार, पति पत्नी एक कलर का पहने हुए हैं। अब मिलते हैं उनके घर पे गाइस, बहुत हो गया। तो गाइस, सब लोग यहाँ पर तैयार हो गए, यहाँ पर नाश्ता लग गया है, आप लोग भी कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पे मंगा कर ही खा सकते हैं। यहाँ तक तो नहीं आ पाएंगे, आप लोग घर पे एंजॉय करिए, यही से एंजॉय करिए, यही से खाई लीजिए। एक मनीषा, एक आरती, एक शीला, दीक्षा सब्जी उठाइए। यार इतना इतना लोगों का नाम रहता है, और किसी लड़कों का नाम ले रहे हो यार, संतोष, अजय, विजय, विजय, सचिन, डीके जी, नहीं विजय को याद कर रहे हैं। नहीं तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे आरती, नीलम, सुषमा, स्वाति, निराशा, पता नहीं क्या क्या नाम है सबको, पुष्पा भवन। तो गाइस बने रहिए, नाश्ता करने बाद मिलते हैं। पहले होने वाली बच्चे को माँ को दो यार, क्योंकि ना उनको डबल चांस है। चलिए पी लो, मम्मी को दो, होने वाली माँ को दो, इनके तो दो गिलास पिए चाय, तो दो ही गिलास। हाँ यार, ये हम है, हम ले रहे अपना थोपा दिखा रहे। तो गाइस, हमको मिल गया है कोल्ड ड्रिंक और आप लोग पी लीजिए। अगर यहाँ नहीं पी सकते, मार्केट से खरीद के जरूर पी लीजिएगा। पैसा भेज देना, फिर पैसा भेज देंगे, बता दीजिए पेटीएम नंबर। कोल्ड ड्रिंक के पैसे भेजेंगे, बने रहिए, पीने के बाद मिलते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नाना जी बहुत ज्यादा ही खुश है, खुलाना चाहिए सब अपने। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले मियाँ बीबी, फिर मम्मी पापा, फिर दीदी दीदी। थैंक यू, सबको। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वंदना जी खुश नजर आ रही है। हम तो हमेशा फुल एंजॉय कर रही है, पूरा एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना भी चाहिए जीजा जी। बिल्कुल, वहाँ बस मुंडी आ रहा है यहाँ पर। मेरे पति जी को केक खिलाया जा रहा है गाइस, और उधर अमित जी को खिलाया जा रहा है, देख सकते हैं। और हम लोग भी खिलाते हैं केक वगैरह। हाँ, नहीं खिलाएंगे सबको, साइड हो जाओ जरा यार, सबको दो मौका। ये रहे किट, ये रहे हम, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कोमल का है, कैसे नाम है के इतना बड़ा वाला? अरे हम आपको ऐसे खिला देते तो मनी बदला ले रही थी। अरे तुम्हें प्याज से खिलाई थी और सचिन भाई की याद आ रही है। अरे तुम बता दी, मैं रील शूट करता, लो शूट करो, आप ही खिला देना, इसी आप ही खिला देना। तो एक दूसरे को सब केक खिला रहे हैं, उसे मत डालना। मेरे साथ बनाना, तुम बंदा दी शूट करो। नहीं, हमारे क्यों शूट करना, हमारा हाँ कर देंगे पहले शूट करो यार। यहाँ पर पति देव हमारे केक खिला रहे हैं बीने भाई को। ये है जीजा साला, बहुत लोगों को नहीं पता ये जीजा साला है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सबको, सबको नहीं खिलाए पीने के, हम भी खिला देते हैं। चिरंजीव भैया, चिरंजीव के हम कैसे बोला, चिरंजीव के जाने इधर इधर पैर छू रही है अपनी सास की मां। खुश रहो, भगवान करे हमेशा तरक्की करे, बरकत करे, सारा परिवार लेके चला, दोनों की जोड़ी बनी रहे, सलामत रहे। फोटो फोटो निकालो, फोटो निकालो, मतलब I love you. I am you. तो गाइस, ये रहा,
हमारी तरफ से ये रहा आपको, हिफाजत से रखिएगा पकड़ लेते हैं और ये फोटो निकाल के तो उसे से आशीर्वाद लेने के लिए वंदना दी गई जबरदस्ती आशीर्वाद। बारे बैठो मत, खुश रहो और जल्दी से खुश रहो, जल्दी से बुआ पढ़ने आई, खूब ऐसे से नाची हम लोग, खूब नाची ऐसे और क्या। और अच्छा और क्या कहना चाहती हूँ, और क्या कहना चाहते हैं, पापा मम्मी बनने वाली है, इन्हें जल्दी जल्दी बना और फिर से पार्टी हुई। हाँ, हाँ, मम्मी भी जहाँ से ठोकरा खियावे, आसमानी खियावे, पूरी खियाए थे, आसमानी पूरी हमारे मतलब ससुराल में नहीं बनता है, तो यही मौका है कि इनके हम खाने के लिए तैयार है। स्टार्ट। तो गाइस पार्टी के बाद देखिए कूड़ा, देखिए क्या दशा हुआ, कहते चलो मुझे भी दिखाओ, देखो ये पार्टी का दशा क्या होता है, यही होता है जो तो जुड़े रहिए। हो गया झाड़ू मारने के बाद अब हम खाना की तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो रख दो ना, सबको बीच में निकाल निकाल देंगे, फिर कौन उठा कर लाएगा, यही सब खाएंगे क्या। अच्छा चलिए गाइस खाना तैयारी कर देते हैं, मिलते हैं, बने रहिएगा। गाइस खाना पीना सब लोग खा लिए, यहीं पर सब बैठ कर खाए हैं, और इसके बाद हम लोग खाना खलिया दिए हैं, और इनके टंकी के पानी नहीं था, मैंने मम्मी से बोला मम्मी बर्तन सुबह धुला जाएगा, क्योंकि सब जो खाना होना था ना सब खा लिए हैं, और मैंने खाली करके बर्तन इसमें रख दिया है, और सारा पत्र वगैरह एक तरफ रख दिया है, खाना खलिया दिया है, जो भी था सब खलिया खलिया कर हम लोग फ्रिज के अंदर रख दिए हैं। बस मम्मी को मतलब कि मम्मी को क्या है, घर कोई भी रहेगा सुबह बर्तन धो लेगा, क्योंकि मम्मी से हम बोले मम्मी पानी के घर, हाँ और किट्टो खाना नहीं खाई थी, तो मैंने बोला उनको ले चलो पूरी खा लेते, मैं सेवी नहीं खाई, मैं सेवी लेते जा रही हूँ, ठीक है हम ले लेते हैं ना, कोई टिफिन देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर सब कुछ हो गया है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रस्म, कहाँ हम शूट कर रहे, यहाँ एक रस्म होता है यूनिवर्सिटी के बाद चूड़ी निकाला जाता है, ये चूड़ी रस्म होता है, होता है नहीं नहीं ये टाइट है ना, इसको जैसे निकाल रहे हैं। पति देव खाना कैसा बना था, खाना नंबर एक का बना था, बस ये हो रहा है थोड़ा टहल लिया जाए बाहर, रोटी हम लोग बनाए लेकर आए थे, तो आज कल हमारे तो गाइस ऐसा नहीं, ऐसा मजाक हो रही थी, हो जाता है कभी कोई इंसान ज्यादा भूख लगती है तो ज्यादा खा लेता है, तो कमाते किस लिए, खाने के लिए, तो जैसे हम बदनाम है आप भी बदनाम हो जाए ना खाने के पीछे, कोई बात नहीं यार करो मेरे लिए गंदे गंदे कमेंट करो, बने रहे गाइस मिलते हैं। खाना नहीं खाई थी मम्मी, अब पैक कर रही है, तो रख दो आप, सुन दो पन्नी दे रहे हैं, खत्म खाना, ऐसा खाए कि लिपस्टिक फैल गया गाइस, अब जाने की बारी आ गई, मम्मी यहाँ हमारा छीन अच्छा आपको दवाई भी लगा रही है, और वो उधर वो आराम कर रही है, चलो जी बाय 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 गुड नाइट मिलते हैं, बाय बाय, चलिए गाइस बने रहिए, हम लोग धीरे धीरे उतरेंगे, तो गाइस धीरे धीरे उतरेंगे क्योंकि बच्चे है ना, तो अंधेरा भी है सीढ़ी पे, हाँ चलो बाय गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गाइस ये उनके घर से आए थे, रात कॉफ़ी हो गई थी, फिर हम लोग सो गए थे, तो सुबह हो गया है, और सुबह उठकर सबको पहले गुड मॉर्निंग, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा घर में पार्टी की है, और बहुत ऐसे ही पार्टी करना चाहिए, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे ये कभी भी होता है ना ऐसी सिचुएशन में, नहीं तो फिर बाहर का पार्टी मतलब प्लान था, लेकिन हम लोग बोले नहीं रहने दो यार बहुत हो गया, कुछ घर में ही कर लेते हैं, तो चलिए गाइस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम, अब चलते अपने घर के काम में बिजी लग जाते हैं क्योंकि थके बहुत है, आज का ब्लॉग वाला यही तो था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।